सो व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो सेकंड डे की प्रिपरेशन है ऑल सेट, सभी लोग लगे हैं अपनी बाइकों की तैयारी में और यू नो सफाई 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 एंड देन फिर हवाई 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 जहाज. सो दिस वाज आवर स्टे फॉर द डे वन एंड ये हैं पीछे के कुछ नज़ारे. एक मिनट, एथे सो अब निकलने की तैयारी काजा के लिए. यहाँ से निकलेंगे, एक बार बाइकें साफ करके, सामान सारा सेट हो गया है और बीच में इन बिटवीन जो भी क्रॉसिंग्स और जो भी बेहतरीन शॉट्स मिलेंगे वो इस वीडियो में कैप्चर किए जाएंगे. ये देखो भाई, व्यू दिखाता हूँ. और ये हसीन पहाड़ियाँ, मौसम ने ले लिए करवट. सो सभी के सभी रोड साइड और बारिश आने के आसार हैं, इसलिए तैयारी बारिश की. हम लोग पहुंच गए हैं शोंग टांग ब्रिज. मौसम ने ली है हसीन करवट, इतना बढ़िया मौसम है और ये शांत प्लेस बोले तो क्या वेदर है यहाँ का, लेकिन बदबू बहुत आ रही है ये नहीं पता. ठीक है, और मेरे पीछे देखो क्या है, मेरे पीछे ये देखो, हाय 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 हाय, और साथ में ये फ्लैग्स. देवी और सजनों, अपना ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए टूवर्ड स्पीति हम लोग पहुंचे हैं किसी खास लोकेशन पे और ये लोकेशन है भाई, यहाँ पे है दो नदियों का मिलन. ये यहाँ से दूसरा पानी आ रहा है, यहाँ से दूसरा पानी आ रहा है, बहाव ठीक ठीक है. और यहाँ से अभी ऊपर से हमने निकलना है इस रोड के थ्रू, ये सीधा जाएगा. अभी हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट पू में. ए मांचू, कैसा रहा रे सफर? बहुत ही बढ़िया. अरे एडवेंचर बाकी है. वो खड़ा मेरा चीता, पीछे ये बाइक्स हमारी खड़ी हैं, कुछ उधर खड़ी हैं और दोपहर का खाना, भूख लगी है बहुत है, तो यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक. सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं नाको से थोड़ी आगे, बोले तो थोड़ा सा इशू हो गया था जो अपना मलिंग, कौन सा था रे वो नाला, मलिंग नाला ये पीछे वाला, वहाँ पे हो गई थी लैंडस्लाइड. बोले तो जिस एरिया में नाला है वो पूरा का पूरा 100 फुट नीचे धस गया था रोड. और जब हम लोग पू में थे पीछे और लंच के लिए रुके हुए थे, तब हमारे को ऐसी न्यूज़ मिल रही थी कि भाई दो दिन तक ठीक नहीं होने वाला. बट इन एनी केस, मतलब हमारे को किस्मत ने दिया थोड़ा सा धक्का और हमारे को मिला सहयोग. किसका? हे प्रभु. सो आर्मी वालों ने, बोले तो अपने बिंदास आर्मी, उन्होंने फटाफट रोड को, नए रोड को काट के एंड रेडी कर दिया एंड जो ट्रैफिक था वो चालू कर दिया. सो इट इज एन अपडेट फॉर यू गाइस हु इज कमिंग टू स्पीति के भाई ठंड बहुत है, ठंडे हाथ हो गए हैं क्योंकि टेम्परेचर कुछ शो कर रहा है अभी 7-8 डिग्री के आसपास एंड काजा में आई गेस होगा 1 या 2 डिग्री के आसपास, अच्छा खासा टेम्परेचर. और पीछे की वादियां देखो मेरे भाई, क्या बोलती पब्लिक. रचित लगा हुआ है अपना फोटो सेशन में एंड आगे वो देखो, वो लगे हुए हैं हिमांशु और विनीत. इंतजार कब तक हम करेंगे भला. सो देवी और सजनों, यही वो वादियां हैं जिनके लिए इतनी दूर पहुंच जाते हैं हम. वो रहा नाको, देखो देखो मैं जूम करके दिखा दो, ये रहा, दिख रहा है घर, ये नाको है. ठीक है,
और इसके इर्द गिर्द अब पूरी वादियां देखो, इसके इर्द गिर्द क्या खूबसूरत, वाओ यार वाओ, अल्टीमेट भाई। नाको क्रॉस करके अब जाके दिखी है भाई, सुबह से धूप वो देखो, और धूप भी क्या ऐसा लग रहा है जैसे सामने से ना मतलब किसी ने बल्ब जला रखा है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी हवा, ऐसे कोई बीच में डस्ट नहीं कुछ नहीं। विनीत मेरे भाई, हाउ द जोश? मीडियम है, मीडियम है, क्यों शांत, हिमालयन कंफर्टेबल नहीं लगी? वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, क्या क्लासिकल, या अगर आप सोचते हो तो लगता है क्लासिक पे क्या कैसे आता है, हिमालयन पे काफी अच्छा लग रहा है। अरे क्लासिक वाला वो रहा मेरा भाई, कहाँ गया? अरे अरे हेलमेट के पीछे छुप गया। अच्छा सो हम पहुंच गए हैं सुमरा विलेज, ये पीछे और ये धूप, वाह ये सुमरा, ये पीछे, और यहाँ से ये नीचे से बह रही है। सामने देखो तो नदी जैसी लग रही है लेकिन है थोड़ी नहर टाइप की, और वो चल रहा है वहां पे खनन का धंधा इलीगल माइनिंग। सो अभी तक का ये सफर रहा है बेहतरीन, बेहतरीन सफर के साथ। देखो अब इसको फोकस कर लेते हैं, वाजी वाजी, अब हम हो गए हैं काले और पीछे की लाइट दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम लोग टाबू, टाबू पहुंच के उम्मीद है आज का स्टे रहेगा टाबू में, काजा नहीं पहुंच पाएंगे, इन एनी केस स्टिल वी विल ट्राई वीकेंड, अदरवाइज से बिग नो।